देखो आज हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे है ना मैग्नेटिज्म तुम पहले भी पढ़ चुके हो एट्थ या नाइन्थ में तुम शायद पढ़ चुके हो ठीक है और मतलब मैग्नेट तुम्हारे लिए नया वर्ड तो नहीं है ठीक है तुम जैसे मै मैग्नेट के बारे में मैग्नेटिज्म के बारे में कहा होगा तुमसे ठीक है तो तुम्हारे मन में तुरंत आया होगा कि ठीक है लोहे की कोई चीज़ जो ठीक है न, चीज़ों को लोहे मैग्नेटिक मटीरियल्स को अट्रैक्ट करती हैं ठीक है अच्छा एलेवेंथ में तुमने ये पढ़ चुका है कि तुम पढ़ चुके हो कि अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ठीक है तो हम लोग सारी बातें कर लेते हैं है ना जो किस तरह से ठीक है स्टार्ट हम लोग सोर्स क्या है किस चीज से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है पहले उसकी बात करते हैं ठीक है थीके? और फिर अर्थ वगैरह क्यों मैग्नेटिज्म शो करती है इन सबकी हम लोग बात करते हैं ठीक है थीके? देख कोई भी मूविंग चार्ज कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है ठीक है तो वो जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ठीक है लिखो देख कोई भी मूविंग चार्ज जो है अच्छा स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूविंग चार्ज है ना ठीक है वो किसी भी पॉइंट पे हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ठीक है और एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया याद रखना ना कुलम्स लॉ भी जो एक्सपेरिमेंटल लॉ है ठीक है ऐसा पाया गया कि जैसे मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ तो ये आर होगा इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होगा आर होगा इसकी वेलासिटी वी है ठीक है म्यूनॉट बाई फोर पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इसको और हम डिटेल में बाद में देखेंगे ठीक है लेकिन ये तो तुम समझ गए कि कोई भी मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस फॉर्मूले से ठीक है एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है है ना ये पाया गया कि मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि कोई भी मूविंग चार्ज जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ठीक है म्यू नॉट जो है ना जिस तरह से आ, हम लोगों का वन बाई फोर पा एप्सल नॉट है ना मैंने फिर बत बोला कि ये सब टर्म्स जो है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ठीक है ये कांस्टेंट है ठीक है और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक है अभी तो आप इसको लिख लो ऐसे ही मैं लिखवा रहा हूँ ठीक है चलिए देखिए आगे देखिए ठीक है हाँ देखिए यहाँ ये ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ठीक है देखिए ये जो वेलोसिटी है वो एक रिलेटिव टर्म है आप जानते हैं जैसे मान लीजिए आप एक कोई कार में ठीक है पहुँच गए और ये कार जो है वेलोसिटी वी से जा रही है है ना आप इसमें बैठे हैं आप इस चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे बताइए नहीं करेंगे ठीक है और अगर मैं अगर मैं है ना आ, v1 वेलोसिटी से जाऊं तो ठीक है मतलब रिलेटिव बेसिकली ठीक है आ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होगा ये बात समझ में आ गई होगी आपको है ना अच्छा ये बताएं कि कोई भी वायर है कोई भी वायर आप जानते हैं कि अगर करंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव कर रहे होंगे मानते हैं इस बात को बोलो तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा होगा हर चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल देयर और आप जानते हैं कि इन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है ठीक है मान लो हम एक रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाए जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जिसकी वेलोसिटी वी ड्रिफ्ट हो तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फील करूँगा या नहीं करूँगा बोलो हम लोग करेंगे ठीक है इसका कारण है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह मूव हो रहा है तो तुम जानते हो कि जो प्रोटोन्स होते हैं ठीक है न्यूक्लियस में वो स्टेशनरी होते हैं बोलो ठीक है अगर तुम वीडियो वेलोसिटी इस तरफ जाने लगे तो तुम इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया लेकिन प्रोटॉन्स जो होगा वो क्या होगा वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा है ना तो याद रखना कोई भी अगर इलेक्ट्रिक वायर है है ना उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है किसी पॉइंट पे, है ना तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी से मूव होने लगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं होती ठीक है तब भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होती है है ना वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा रिलेटिव रे, फ्रेम में है ना तो इस कारण से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे ठीक है हम लोग इसको बायोट सवॉट लॉ से देखेंगे इस चीज़ को है ना इसको यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले जो सब बातें मैंने बताई हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं लिखो बायोट सवॉट लॉ बी आई ओ टी बी आई ओ टी एस ए वी ए आर टी लॉ ठीक है देख मान ले कोई भी बयाट सावट लॉ ने हम लोगों को किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को ठीक है निकाल के बताए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसे मान लें हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और इस पूरे वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको हम स्मॉल सेगमेंट्स में बांट सकते हैं कोई भी एक छोटा सेगमेंट अगर हम ले लें तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना वो होगा बी इज इक्वल टू अगर हम वैक्यूम की बात करें तो नॉट बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होगा इस नॉट की जो वैल्यू होती है ठीक है वो होती है आ, लिखो लिखो नॉट इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड म्यूनॉट इज कांस्टेंट कॉल्ड परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यूनॉट इज constant कॉल्ड permeability ऑफ फ्री स्पेस ठीक है म्यूनॉट की जो यूनिट होती है ना वो होती है की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन टू माइनस सेवन सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर ठीक है टेस्ला मीटर पर एम्पियर वेयर वेर टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर आगे चले हा परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी था और यहां परमीएबिलिटी कहते हैं क्या कहते हैं परमिएबिलिटी क्लियर चलिए सिमिलरली रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा है ना चलिए देखिए अभी उस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूँगा है ना देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड या स्केलर है वेक्टर है तो दो चीजें होंगी एक तो मैग्नीट्यूड होगा दूसरा डायरेक्शन होगा सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ ठीक है तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यूनोट बाई फोर पाई आई ये हो जाएगा मॉड डीएल मॉड आर साइन थीटा अपॉन में मोड आर का होल क्यूब ये कैंसिल हो गया है ना तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन मॉड आर का स्क्वायर ये हो जाएगा बी मॉड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ठीक है अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं याद रखना अगर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो है ना तो मैं बी जो होती है वो डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होती है ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट याद है या नहीं याद है आपको ठीक है अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ अप कर दूंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा आपके लिए कर दूँ एक बार ठीक है देखिए तो डी एल आर दोनों के परपेंडिकुलर है ठीक है जैसे मान लीजिए जैसे डी एल है ये आर है तो डीएलआर दोनों के परपेंडिकुलर होने के लिए समझ गए या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा तो डीएल से आप आर की तरफ उंगली को स्वीप करें तो किस तरफ आएगा बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा बाहर की तरफ होगा क्लियर है बिल्कुल आगे बढ़ें? ठीक है देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ आ गई है ना और मैग्नीट्यूड जो है वो इतनी हो गई है ना इसको लिख लें आप है ना और अगर स्कूल एग्जाम में आया तो आप ऐसे लिखेंगे इसको b is proportional to dl, b is proportional to uh, sin theta and b is proportional to what? Inversely proportional to square of distance between you know, current carrying element and what? Uh, the position vector of the point where, where we are finding the magnetic field with respect to the current carrying element. b is proportional to dl, the length. ऑफ द एलिमेंट फॉर विच वी आर फाइंडिंग द मैग्डी फील्ड बीज प्रपोजल टू साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एन आर है ना पोजिशन वैक्टर एंड करेंट कैरिंग एलिमेंट डी एल का जो डायरेक्शन है वो हम करंट के डायरेक्शन में लेते हैं है ना चलिए इसको नोट डाउन करें हम